चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों से रिलेटेड है, ठीक है? ठीक है, तो देखिए, तो इसके बारे में हम आपको पहले कभी बताए हैं सीपीयू के बारे में? सीपीयू क्या है, कौन बताएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अच्छा, सीपीयू का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है एग्जैक्ट, इसका काम क्या है और ये कहाँ पे होता है? किसके अंदर होता है? कैबिनेट के अंदर होता है। हाँ, सही जवाब है, कैबिनेट के अंदर होता है। कहाँ, किस पे ये स्टेबल होता है, किस पे ये रखा होता है, किस पे ये फिक्स होता है, किस पे ये माउंट होता है? मदरबोर्ड पे। ठीक है, मतलब मदरबोर्ड पे। हमको तो लगा कि आप लोग बोलिए कि जो सामने सब रखा हुआ है सब सीपीयू पे है, लेकिन चलिए कुछ तो नॉलेज हुआ कि सीपीयू क्या होता है। कि सीपीयू जो हम लोग ये बड़का सा ढक्कन देखते हैं वो सीपीयू नहीं, वो क्या है, कैबिनेट है, स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मदरबोर्ड पे क्या होता है, सीपीयू स्टेबल रहता है। ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ा हम देखेंगे कि आखिरकार जो सीपीयू होता है उसके अंदर, ये तो ऊपर से आपका ढक्कन हो गया ना, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कौन कौन सा पार्ट्स है उसको पहले हम लिखेंगे और उसके बाद उसको पहचानेंगे और उसके काम को क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो साथ ही साथ मेरे साथ क्या करना शुरू कर देना है, लिखना शुरू करिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पार्ट्स ऑफ सीपीयू में लगभग 24 मैंने क्या लिखा, पार्ट्स के बारे में लिखा। थोड़ा एक एक देख लेते हैं, उसके बाद इसको मिटा देंगे। सबसे पहला पार्ट्स होता है एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है लिखना है, सबका हम लिखवाएंगे, फुल फॉर्म सबका हमको लिखवाना है अभी। ठीक है, एसएमपीएस हो गया, सबसे मेन सर्किट होता है जिसमें पावर आता है, अभी लाइव दिखाने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड इसको क्यों कहते हैं, घर में मम्मी, वैसे इसकी मम्मी। ठीक है, मदरबोर्ड। ठीक है, एसएसडी क्या है, मेमोरी का टाइप है, स्टोरेज। ठीक है, रैम क्या है, आप एसएसडी की जगह पे क्या, अब नया क्या गया, एसएसडी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, रैम रोम आपको पता है, क्लियर हो गया था, वीडियो भी दिखाया था रैम रोम वाला। उसके बाद प्रोसेसर आपको पता ही है, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे यहाँ ब्रैकेट में सीपीयू भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो चीज। नेक्स्ट आ गया आपका प्रोसेसर फैन। प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए प्रोसेसर फैन का यूज होता है। डायोड का काम क्या होता है, अभी हम प्रैक्टिकल क्लास में बताएंगे। कैपेसिटर रेसिस्टेंस ये सब का क्या होता है। कॉम्स बैटरी क्या होता है, इसमें एक बैटरी होता है। देखिए यहाँ से छोटा सा वो नया है, तूर पे नहीं दिखाएंगे, एक बार शायद दिखाया था आप लोगों को कॉम्स बैटरी। 3 वोल्ट का बैटरी देखते हैं। हाँ, 3 वोल्ट का बैटरी होता है। ठीक है, ATX 24 केबल जो कि इस SMPS से निकल के डायरेक्ट किस में आता है, मदरबोर्ड में आता है। ठीक है, HDMI स्लॉट, VGA स्लॉट, पैरेलल प्रिंटर स्लॉट, माइक इन, USB, PS2, RJ45, ये सब पीछे वाला है, सब एक्सप्लेन करने वाले। ठीक है, उसके बाद इधर देखिएगा PCI स्लॉट जो कि इसी में है, हीट सिंक ठंडा करने का काम करता है। साटा केबल और पाटा केबल आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, रैम स्लॉट जिसमें रैम लगता है, और बस लाइन जिसके जरिए पूरे मदरबोर्ड पे करंट क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ठीक है, क्लियर है? इसमें से कुछ ऐसा चीज जो नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, एक आपका बंद है और एक आपका पूरा खुला हुआ है, उसको बीमारी पकड़े हुए। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से ओपन कर रहे हैं और आज के क्लास ढक्कन ढक्कन। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें आपको प्रॉपर सब कुछ दिख रहा है, कौन चीज कहाँ सेटअप है, इसमें सब उखाड़ कवाड़ दिए हैं वो अलग बात है, लेकिन इसपे एकदम प्रॉपर दिख रहा है, ये चलता फिरता एकदम कंडीशन में है। ठीक है, मतलब कौन चीज कहाँ पे है, ये आपका क्या है, कौन बताएगा? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ये क्या है? SMPS जो सबसे पहला टॉपिक मैंने बताया, SMPS मेन करंट इसी में आता है। ठीक है, और ये आपका क्या है, अंदर में सेटअप पूरा मदरबोर्ड। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं सेम अलग अलग पीसेज में। ठीक है, ये देखिएगा, इसको क्या बोला भैया मैंने अभी, SMPS। ठीक है, ध्यान से थोड़ा इसको टर्न करते हैं पीछे की ओर, सेम यही चीज है ना यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या है इसमें, इसमें एसी करंट आता है, एसी बोले तो अल्टरनेटिव करंट जो आपके घर में है, एसी करंट। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड होता है किसके जरिए, पावर केबल के जरिए। ठीक है, इसमें एक पावर केबल है जो आपके हर एक सीपीयू में क्या है, पीछे में लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसमें एसी करंट इंट्री करेंगे हम, ये क्या करेगा, एसएमपीएस का काम क्या है, जस्ट लाइक स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का काम क्या होता है, वोल्टेज को कम बेसी करना, कम ज्यादा मेंशन करना। बट एक चीज समझिएगा कि स्टेबलाइजर जो होता है मैनुअली कम बेसी आप करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, अगर कम है तो ज्यादा ऐसे करके। ठीक है,
बट इसमें क्या है, मैनुअली का कोई सिस्टम नहीं, ये ऑटोमेटिक होता है। मतलब जितना इसको करंट मिलेगा, थोड़ा कम मिले या थोड़ा ज्यादा मिले उससे मतलब नहीं है। कभी कभी ये हमेशा खराब हो जाता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक है और ऑटोमेटिक चीज हमेशा जल्दी खराब होता है अकॉर्डिंग टू मैनुअली से, ठीक है। अब इसमें जैसे हम करंट देंगे, ये इसके अंदर का जो स्टेबलाइजर सर्किट लगा हुआ है ये क्या करेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक केबल है, ये 20 को है और ये 4 को, दोनों मिला के क्या हो गया 2480x। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 2480x, कहाँ गया, 12 नंबर। हाँ, यही एक केबल है, ठीक है। तो एकदम सिस्टम से समझिएगा, सबसे पहले तो करंट हम इसमें एंट्री किए, ठीक है, उसके बाद ये कन्वर्ट करके 24 तरह का करंट निकाल दिया। कितने तरह का, 24। आपके घर में एक के तरह का एसी करंट से सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसमें इसमें जो मदरबोर्ड है, क्या आपको सब मदरबोर्ड में एक के जैसा पार्ट्स दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है ना। तो सोचिए कि जब दिखने में अलग अलग है तो सबको चलने के लिए अलग अलग करंट चाहिए, समझ में आ रहा है इस चीज को। सेम वही कंडीशन यहाँ पे कह रहा है क्या, कि अगर एक ही वोल्टेज सब में देंगे तो प्रॉपर नहीं चलता है। इसी तरह 24 तरह का ये करंट निकालेगा, कौन, SMPS। तो SMPS एक डिवाइस ऐसा हो गया जो आपके एसी करंट को लेके 24 तरह के वोल्टेज को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, और इसमें जो करंट निकलता है वो आपको करंट नहीं मारेगा, डीसी में बदल जाता है, ठीक है, डायरेक्ट करंट में बदल जाता है जो आपको करंट नहीं मारेगा, समझिएगा इस चीज को। अब कंप्यूटर ऑन होने के बाद मदरबोर्ड कहीं भी ऐसे से टच कीजिएगा, कोई लाइन नहीं, किसका कमाल है, SMPS का कमाल है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा ही बना देता है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर आप ज्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये तो ब्रांडिंग हो गया किस कंपनी का है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे इतने तरह का वोल्टेज ये निकाल रहा है। अगर आपको देखने का मन है कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देखिए सब वोल्टेज लिखा हुआ है, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 12 वोल्ट, सब कुछ इसमें मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने तरह का ये करंट इसके जरिए क्या कर रहा है, डिस्क के जरिए निकाल रहा है, ठीक है। अब इसको रखते हैं यहाँ पे, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें तो मेरा करंट आ गया, ठीक है, और 2480x को हम ऐसे देखिए क्या करते हैं ना, इसमें ऐसे ऐड भी कर देते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा कहां गया, ये रहा, सीरियल में हो गया, ठीक है। अब देन उसके बाद क्या करेंगे कि ये आपका मदरबोर्ड है, आपको पता है, ठीक है, ये मदरबोर्ड है आपका, तो आपको क्या लगता है कि तरवा कहाँ आके लगेगा, देखिए तो यहाँ पे लगेगा ना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि इस तरफ एक लॉक है, इस तरफ एक लॉक है जो इस तरफ लॉक नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान से देखिएगा, आपके बोर्ड में इधर दिख रहा है, ध्यान से देखिए, एक लॉक होगा, लॉक है ना इस साइड में, ठीक है, जो कि इस साइड में नहीं है। एक काम करते हैं, थोड़ा रैम निकाल, देखिए इस साइड में एक लॉक दिख रहा होगा, थोड़ा सा उठा हुआ हल्का, दिख रहा है, ठीक है। अब जिस तरफ ये लॉक था उसी तरफ इसको ऐसे रख के और ऐसे पुश कर देंगे, देखिए तो लग गया, क्लियर है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि जब ये SMPS का 2480X मेरे मदरबोर्ड पे आ गया तो बाकी भी यहाँ पे कुछ तार है, इसका क्या यूज है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसका यूज ये है कि आप इसके साथ जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडी राइटर हो गया, या आप एक बार में 2 हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, देखिए ये भी एक सर्किट ही होता है जो कि आपको इसमें लगाना होता है, 24 के साथ ही होता है, बट ये नहीं आएगा, क्यों, आ गया, बहुत सारे सीपीयू में अब तो नया जो होता है ना, आपका जो नया जितना भी मदर, ये थोड़ा पुराना मदरबोर्ड है, आपका जितना भी नया है ना, ये नहीं भी लगाइएगा तो जरूरत नहीं है, क्योंकि 24A में क्या होता है, सब करंट सप्लाई कर देता है। लेकिन अगर इसको हम नहीं लगाएंगे इस वाले में, तो पता है कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा लेकिन जो स्क्रीन पे आता है सब कुछ आएगा ही नहीं आएगा। तो समझिए कि तार गलती से क्या है, निकला हुआ है। अगर आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है और स्क्रीन नहीं आ रहा है, एकदम हल्का कलर का काला होकर रह जा रहा है, तो समझिए कि ये वाला 4 गो वाला तार क्या है, अलग से निकला हुआ है, उसको लगाइएगा फटाक से आपका स्क्रीन आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट चीज देखते हैं थोड़ा, जब इसमें हम इसको इंक्लूड कर दिए तो आपको इस मदरबोर्ड पे कहीं भी कोई वायर दिख रहा है क्या, वायर दिख रहा है, पर फिर भी वायर ना होते हुए भी सभी सर्किट में करंट कैसे चला जा रहा है, क्वेश्चन है ना यहाँ पे, कैसे चला जा रहा है, बस लाइन के द्वारा, बस लाइन है। तो देखिए तो ध्यान से आपको दिखेगा शेड़ा के जैसा घर घर पूरा लाइन लाइन इधर उधर दिख रहा है, जब ये मदरबोर्ड बन रहा था, देखिए दिया गया, मतलब करंट सप्लाई के लिए, और ये सारा बस लाइन किससे जुड़ा हुआ है, मदरबोर्ड 2480X से जुड़ा हुआ है, समझिएगा, मेन करंट आके इसमें तो इंक्लूड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है,
अब इस मेन वायर से सारा बस लाइन इधर उधर गया हुआ है, समझ में आ रहा है? तो यही रीजन है, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर दे कि एक बात बताइए कि मदरबोर्ड पे तो कोई भी तार नहीं दिख रहा है, ठीक है, फिर भी करेंट सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह कैसे चला जा रहा है, तो उसका आंसर क्या है? बस लाइन के थ्रू। अब कोई पूछ देगा बस लाइन थ्रू क्या है भाई, तो उसको नॉर्मली डिफाइन करना है कि जब ये मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर हो रहा था, जब ये बन रहा था, उसी समय क्या किया गया, वायरिंग कर दिया गया। जैसे घर जब बनता है तो दीवार काट के जो वायरिंग होता है ना, सेम वही कंडीशन यहाँ भी है, और वायरिंग करके इसको कोटेड करके ऊपर से लेप चढ़ा दिया गया। कुछ समझ में आया? अगर इसमें से कोई भी वायरिंग अगर टूट गया या कट गया तो फिर इस मदरबोर्ड को फेंकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, समझे? ये सब पार्ट्स खराब हो जाएगा, चलेगा, बन जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा, लेकिन वायरिंग में से कहीं अगर फॉल्ट आ गया तो फिर ये बनता नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, इसको थोड़ा निकाल देते हैं। क्या बोल है ये? दो बोल है, दो बोल है, वो तो स्लॉट चार हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एक के जैसा है, ये दोनों एक के जैसा है, अभी दो का क्या यूज करेंगे? सपोज डेट मान के चलते हैं कि हमको 1000 GB का दो हार्ड डिस्क लगाना है, ठीक है, तो एक बार में देख के वो लगाएंगे, एक बार में एक के वो लगाएंगे, समझिएगा, ठीक है। अब फिर हमको जरूरत पड़ गया ना कि वो डीवीडी राइटर भी लगाना था, तो जब कै गो है दिले दो है, अब हमको मन किया कि एक और हार्ड डिस्क बना दे, चाहे वो डीवीडी राइटर बना दे, तो मार्केट में बहुत सारा ऐसा चीज अवेलेबल है, ठीक है। अब एक हम जाएंगे बोलेंगे ना कि हमको SMPS का कनेक्टर चाहिए जिसको एक वो डालने पे वो दो को बदल जाए, समझिएगा, तो खोसे वाला इस तरफ एक वो रहेगा, अब फिर उसमें से दो अलग निकल जाएगा, कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसी दो को इसमें से भी बढ़ा सकते दो, तो के हो गया चार, दो के जगह चार हो गया। अगर और आपको बढ़ाना है तो वो जो दो निकल है उसमें फिर दो को लगाएंगे तो चर्चर को फिर उसमें बढ़ जाए, समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक मेनली दिया रहता है आपके किसके लिए, हार्ड डिस्क के लिए, और एक दिया रहता है डीवीडी राइटर के लिए, ठीक है। अब कैसे ये कनेक्ट होता है थोड़ा देखते हैं, हार्ड डिस्क नहीं होगा, होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसके लिए अलग आया है एकदम छोटा सा पतला सा, उस दिन दिखाए थे लाल कलर का, दिखाए थे ना, सेम वही चीज है। तो ये क्या होता है भाई, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप ये वाला, ठीक है, नॉर्मली इसमें आके क्या होता है, ऐसे इनबिल्ट हो जाता है, देखिए तो लग गया, ठीक है, लग गया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इस हार्ड डिस्क को करेंट मिला, क्या हुआ, इसका काम ही है करेंट प्रोवाइड करना, और सभी सर इसका काम ही है करेंट सप्लाई करना। तो ये तो मदरबोर्ड को दे दिया भाई कि लीजिए सब अपने मदरबोर्ड वाला काम कीजिए आप लोग, लेकिन इसको चलने के लिए भी अलग से चाहिए वायर, जो कि मदरबोर्ड पे तो लगता नहीं, तो अलग से सेटअप है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये एकदम अलग सेटअप है, एकदम अलग है, ठीक है, इसलिए इसको अलग से करेंट चाहिए, ठीक है। अब हम क्या किए, नॉर्मली इसको इसमें डाल दिए, और जो उस दिन आपको साटा केबल दिखाए थे लाल वाला, इसमें खोस के आप मदरबोर्ड में देखिए ध्यान से क्या किया हुआ, यहाँ पे देखिएगा, देखिए तो लाल वाला केबल साटा केबल है ना इसमें, और उसके बाद देखिए देखिये मदरबोर्ड पे यहाँ इंक्लूडेड है ना। अब देखिए तो इसके अलावा और भी चार को खाली है, मतलब एक बार में हम चार को हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, आप लोग भी थोड़ा देख लीजिएगा, ये लाल वाला कहाँ लगा हुआ है, देख रहे हैं, वैसा ही तीन को और खाली है ना, मतलब एक बार में एक CPU में हम चार को हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, कुछ समझ में आया? हार्ड डिस्क लगाने का जगह देखिए इज्जा से इज्जा तक है, जैसे जैसे घुसावल है वैसे देखिए यहाँ जगह है, यहाँ जगह है, यहाँ जगह है, यहाँ जहाँ जितना लगाना है लगाना, ठीक है। कंपनी कुछ सोच के बनाया है इसको, यही वो CPU है जो 10,000 का भी है, और यही वो CPU जिसको आप 50,000 का ही बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इससे क्या हो गया, हार्ड डिस्क में लाइन मिला, सेम ऐसा ही आपका डीवीडी राइटर आता है जो कि यहाँ पे लगता है। मैंने उस दिन बताया था कि आपके इस वाले CPU में क्या है, इस वाले में डीवीडी राइटर का फैसिलिटी नहीं है, लेकिन है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो देखिएगा, मतलब लगाए हुए हम नहीं है, बट फैसिलिटी दी राइटर इसे लंबा लगा देते हैं, ठीक है। अब आपको तो पता चल गया कि एक वो हम किस में लगाएंगे, हार्ड डिस्क में लगाएंगे, और एक वो किसके लिए है, डीवीडी राइटर के लिए। अब हमारे डीवीडी राइटर का यूज नहीं है तो हम दो में लगा लिए, और फिर डीवीडी राइटर का यूज बढ़ गया, एक वो एक्सटेंशन लगा के दो और बढ़ा लिए, कुछ क्लियर हो रहा है, ये चीज होता है, ठीक है। ये हो गया आपका दोनों में, दोनों के बीच में अंतर होगा, आप लेके देखिए हाथ में। अब थोड़ा आते हैं, पहले ये पीछे वाला क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इधर आते हैं, ठीक है। पीछे वाला में सबसे पहला जो स्लॉट आपको दिख रहा है, सबसे पहला वाला जो स्लॉट है ये आपको क्या लगता है, क्या चीज का है, एयरफोन, एयरफोन पाइप, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसमें कितने कलर है, लाल कलर से क्या होता है, इन बोलते हैं इसको, इन मतलब क्या होता है, आपके आवाज को अंदर ले जाता है, उसके बगल में पीला, ये क्या करेगा, आउट का काम करता है, मतलब ये आपके आवाज को निकालता है,
और ये जो होता है इसको न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल का क्या काम होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आवाज को निकालता है, मतलब हमने बताया। ध्यान से देखिए, ये 5 इन सॉकेट है। क्या आपको पता है कि ये ऊपर वाले का क्या यूज है? कुछ नहीं पता, बता दे रहे हैं। जैसे एक में ठंडा और एक में निगेटिव पॉजिटिव करंट रहता है, उसी तरह इसका यूज जानिएगा तो हैरान हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन आदमी यूज करता नहीं है। ये देने का ये रीजन था, ये प्रोजेक्टर है, इसमें 3 वो पिन वाला खोसे वाला नहीं, 2 वाला दिया है। बहुत सारा ऐसा देखिएगा हैवी सर्किट में जिसमें 3 वो खोसे वाला प्लग रहता है, ठीक है। क्यों देता है? इन केस अगर आपको लाइन मार देगा तो आपको लाइन मारेगा ही नहीं मारेगा। लेकिन इसमें एक लॉजिक कीजिएगा तो इसके पीछे भी पेंच रहता है, जैसे आप लोग तार जोड़ते हैं ना पीछे से खोल के, तो इसके पीछे भी देखिएगा तार जोड़ने वाला एक सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। अब उससे क्या बेनिफिट होता है समझिएगा। अगर उसमें से मतलब मान के चलते इस रोड में, इस रूम में कितना 2 बोर्ड है, सब 2-2 मान ले, टोटल 10 बोर्ड हो गया मेरा। अब 10 बोर्ड में हम क्या किए कि इसके पीछे से क्या किए, तार जोड़ के, और लास्ट में जहाँ फाइनल तार मेरा निकला, तो सबके घर में ठंडा और गर्म 2 निकलता है, ठीक है। एगो पॉल पे दे देते हैं, या दोनों पॉल पे ठंडा गर्म दे दिए, या तो नॉर्मली क्या किए एगो के जमीन में या पिलर में गाड़ दिए और ऐसे कर दिए। अब आपको क्या करना है कि एक सर्किट तो आपके पॉल पे चल गया गर्म वाला मीटर के थ्रू, ठीक है, और जो एगो ठंडा बचा उसको भी पॉल पे दोहरा दीजिए, और इसके पीछे वाला जो सारा तार था ना उसको जमीन में एकदम लंबा रॉड गार के सबको जोड़ दीजिए उसी में। पता है क्या होता है? सबसे पहला चीज तो क्या होगा कि आपके घर में कभी भी अर्थिंग का कोई इशू नहीं होगा, समझ में। कितना हैवी चीज चलाइएगा ना तो बल्बवा ऐसा नहीं लगेगा कि वोल्टेज वाला इतनी कम हो गया। ऐसा कभी देखे हैं? जैसे फ्रिज आप एसी चलाइए, आपको स्पष्ट दिखेगा कि बाप रे गुद्दा निकाल दे, ऐसा कुछ फील होगा। कुछ समझ में आ रहा है? यस। इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग वायरिंग। याद रखिएगा, अगर आप घर में, अब लोग काहे नहीं करवाते हैं कि भाई अब वो काहे तार नहीं आता है, जितना है आपके फोन में क्या वो, इसको क्या बोलते हैं, ऑडियो जैक, 3.5 mm ऑडियो जैक बोलते हैं इसको, तो आपके फोन में एक के गो होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये 2 को देने, ये तो न्यूट्रल है, इसको गोली मार दीजिए। ये 2 को देने का रीजन ये होता है कि बहुत सारा ऐसा गेमिंग है, गेमिंग बोले तो क्या, उसमें आवाज अलग से लेता है और देता अलग से है, ठीक है। आपके सेंस में अलग है, अगर आप अपना हेडफोन इसमें डालिएगा बीच वाले में तो आवाज लेगा भी और आपको देगा भी। क्यों भाई? क्योंकि आपके हेडफोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। लेकिन जो पुराना वाला हेडफोन है जिसमें यहाँ माइक नहीं रहता है तार में, उसमें ऐसे नहीं काम करता है, उसमें 2 खोसे वाला रहता है, ठीक है। उस दिन दिखाया था सर, दिखाया था ना, लाल वाला इसमें जो आपकी आवाज को पकड़ता है जो ऐसे निकला हुआ था, और ये वाला क्या करता है, जो उधर से आवाज आ रहा है, या हम गाना बजा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं या कुछ भी, जो सिस्टम आपका आवाज क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ये काम क्या करता है, आपके कान तक लाने का। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आपको क्लियर हुआ? या सर, ठीक है। अगला देखते हैं RJ45 स्लॉट। RJ45 स्लॉट का क्या यूज है, कोई बताएंगे? ये जो अभी आप सिस्टम में कंप्यूटर चला रहे हैं तो नेट अभी बोले कि उसमें नेट नहीं आ रहा है, तो ध्यान से देखिए तो वहां पे साइड में 2 वायर आया हुआ है क्लिपिंग करके, वही RJ45 है। मतलब क्या है, आपके नीचे में कोना में एक वहां ब्रॉडबैंड बैठा है, ऐड करते हैं जो RJ45 होता है। नेक्स्ट आपका हो गया USB स्लॉट। USB स्लॉट का आपको तो पता ही होगा क्या यूज है, किसी भी चीज को कनेक्ट करना हुआ, पेन ड्राइव लगाना हुआ इसी में लगा दिए, प्रिंटर चलाना हुआ इसी में लगा दिए, फोन चार्ज करना हुआ इसी में लगा दिए, डाटा ट्रांसफर करना हुआ इसी में लगा दिए। मतलब यूएसबी से रिलेटेड कुछ भी, माउस कीबोर्ड सब इसी में आता है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा देखिएगा, इतनी जमाना पीछे चल गया, पहले वो गेम आता था रिमोट, कोई शायद आप लोग खेले हो, नहीं कर सकते हैं, उसमें वो चिड़िया मारने वाला ऐसे गेम आता था, तनी वो रिमोट देखे हैं, डीवीडी में खेले हैं, एक मशीन भी अलग आता है और वो टीवी में डायरेक्ट पोर्ट से कनेक्ट होता है, और एक आता है डीवीडी से भी आता था, सेम यही पुराना वाला मदरबोर्ड है। इसमें वो रिमोट वाला सिस्टम दे रहे हैं कि अगर आप इसमें गेम खेलना चाहते थे तो आपको इसके अनुसार, किसके अनुसार, ये गेमिंग पोर्ट के अनुसार क्या करना है, आपको अलग से रिमोट लाना है और उसको या तो पेन ड्राइव से इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, या तो कैसेट से चलाना है, गेम का मजा लीजिए। कुछ समझ में? आज ना आपके पास पबजी, फ्री फायर, GTA, क्या क्या गेम आ गया है, ये सब का यूज खत्म हो गया। अब पहले आता था पोकोमैन, ऐसे दबाएंगे तो पारवा पद में ऊपर चढ़ता था, ठीक है, ये सब गेम था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका VGA स्लॉट। VGA स्लॉट, अब एक नया चीज आ गया है, HDMI स्लॉट, ठीक है। थोड़ा महंगा बोर्ड लीजिएगा ना तो उसमें HDMI स्लॉट भी आ रहा है। HDMI बोले तो क्या, VGA और HDMI में क्या अंतर है थोड़ा समझ लीजिएगा। जितना भी सेटअप बॉक्स होता है सब में क्या दिया हुआ है, HDMI, देखिएगा इसे घुस जाता है अंदर में, ठीक है। ये तो बाहर निकला हुआ है और वो बाहर नहीं, वो अंदर में से जाके आपका घुस जाएगा, ठीक है।
तरवा थोड़ा वहाँ से खींचिए तो पर्दा थोड़ा हटाइए। हाँ ये तरवा जो लंबा है इसको खींचिए। देखिए यही है HDMI, ठीक है। अब उससे क्या होता है, ये प्रोजेक्टर चलता है वहां पे, सिस्टम में लगा के प्रोजेक्टर चलता है, वही HDMI आजकल वो भी आ गया है, ठीक है। अब इसमें और उसमें क्या फर्क है समझिएगा। अगर उससे हम अपने स्क्रीन को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो जो रेजुलेशन क्लियरिटी है इतना क्लियर दिखाएगा जितना क्लियर इससे नहीं दिखाता। क्लियर हुआ? तो अगर आपको अपने डेस्कटॉप को क्लियरिटी एकदम हाई, मतलब जैसे आप 4K कैसे बोलते हैं, एकदम क्लियर क्लीन दिखाए, तो आप उसका यूज कीजिए। अब उसके लिए क्या भाई, आपके मदरबोर्ड में पैसा 2-4 हजार ज्यादा लगाना पड़ेगा फैसिलिटी लेने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इसमें होने वाले जितने भी प्रोसेसिंग है, मॉनिटर इसको क्या करता है, दिखाता है, इसी से मॉनिटर कनेक्टेड है। ध्यान से देखिए, कोई मॉनिटर थोड़ा टर्न कीजिए, वो कोई लेना है। वैसे पहले यहाँ पे गोल आता था PS2, ठीक है, गोल वाला, जो कि अब बंद हो गया, ठीक है। और आपको बता दें कि ये बोर्ड क्या है, पुराना है, इसमें भी दिया है ना ये, लेकिन आपको वाले इस समय शायद नहीं दिया होगा अगर पीछे से देखे तो, ठीक है। तो ये PS2 है, इसका जनरेशन क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपका प्रोसेसर उस दिन हम दिखाए थे, ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे एक क्लिप है, जैसे इस क्लिप को प्रेस करके इसको ऐसे करेंगे और इसको जैसे उठाएंगे और प्रोसेसर आपके हाथ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। ये प्रोसेसर है, यही है CPU। CPU का एग्जैक्ट काम क्या होता है, जितना भी प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम है, आपने लिखा 2+2=what, ये प्रोसेस करता है सब काम, ये करवा रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मिलके पूरे सिस्टम के काम को करवाता है, कुछ समझ में है। ये हो गया प्रोसेसर, जो कि आपका एक टॉपिक था, और ये हो गया प्रोसेसर स्लॉट। स्लॉट का मतलब क्या होता है कि जहां पे जो चीज जाके लगता है उसको स्लॉट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसर आपको क्लियर पता है, और ये वायर उठा हुआ है, अगर इसका एक भी वायर थोड़ा सा भी मुड़ गया तो मदरबोर्ड का कहानी खत्म, ये चेंज नहीं होगा, समझ में। कुछ चीजें ऐसी है, जैसे अगर इसका एक तांबा का एकदम नोखी नोखी निकला हुआ है, जो कि इसमें आकर टच होता है, देखिए गोल गोल बहुत सारा तांबा के साथ दिख रहा है, इसमें आकर टच होता है, एक भी वायर इसका मुड़ गया तो मदरबोर्ड खराब हो गया, क्लियर हो गया। जैसे इसका वायर हो गया, और जो पीछे अभी बस लाइन बताया, ये सब बहुत क्रिटिकल चीज होता है, ठीक है, इसमें से नहीं होना चाहिए। अब नॉर्मली इसको बैठाने के लिए ध्यान से अगर इस प्रोसेसर को देखिएगा, तो देखिए इधर थोड़ा कटा हुआ है और इस साइड में भी थोड़ा कटा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इस बोर्ड पे, तो यहाँ पे कटा हुआ का सिंबल है और यहाँ पे कटा हुआ का सिंबल है, लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कटा कटा हुआ क्या कर देंगे, एक जगह से मैच कर देंगे और इजिली इसको ऐसे रखेंगे और जैसे था इसको क्या कर देंगे, ऐसे क्लिप कर देंगे, कुछ समझ में है। प्रोसेसर, ठीक है। एक और टॉपिक था प्रोसेसर फैन, देखिए यही वो प्रोसेसर फैन है। इसमें क्या है, पेच सिस्टम है, ठीक है। पता है ये क्या है, मशीनरी चीज है, मशीनरी चीज है, ये जितना काम करेगा उतना हीट करेगा, ठीक है। अब इसको होल्ड करने के लिए देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 होल बना हुआ है, ठीक है। नॉर्मली हम इसको इस पे बिल्ड कर, ये थर्मल पेस्ट है। अब ये क्या होता है, पेस्ट के जैसा लिक्विड होता है, आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में, ठीक है। अब इसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ लगाते हैं, और लगाने के बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे होल्ड कर देंगे। अब इससे क्या हो गया कि आपके प्रोसेसर का और इसके एल्युमिनियम का बाउंडेशन बन गया, समझ में आ रहा है। जब भी वो हीट होने का कोशिश करेगा प्रोसेसर, अगर कंटिन्यू हम यूज कर रहे हैं, तो ये एल्युमिनियम क्या करेगा, उसको ठंडा करने का कोशिश, क्योंकि ये बाहरी वातावरण से क्या है, कांटेक्ट में है, सब जगह इधर देख रहे हैं पूरा एकदम हवा जाने का सब रास्ता बनाया हुआ है। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं होता है तो CPU जैसे यहाँ टीना पैक है एकदम वैसे चारों तरफ से पैक करके दे देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका क्या, प्रोसेसर फैन, जो क्या काम करता है, सिर्फ प्रोसेसर को ठंडा करने का काम करता है। प्रोसेसर फैन का एक ही काम है, बस खाली स्पेशल प्रोसेसर के लिए दिया गया है, और कोई ऐसा पार्ट्स नहीं है जिसके लिए स्पेशल पंखा लगा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा यही है, ब्रेन ऑफ CPU इसी को बोलते हैं, कंप्यूटर को, CPU को कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। और दिमागे अगर हैक कर जाए तो क्या होगा, समझ रहे हैं ना, सेम वही कंडीशन है। इसीलिए इसको बहुत अच्छा से व्यवस्था किया गया है कि लीजिए हम स्पेशली आपको वो पंखा दे दे रहे हैं, क्लियर हो गया ये चीज, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये तो आपको पता चल गया क्या पॉट है, साटा, अभी लाल कलर का दिखाए थे इधर, देख सकते ये साटा वाला है, देखिए जो यहाँ पे हार्ड डिस्क में जाके लगा हुआ है, ठीक है, साटा पॉट है। उसके बाद ये आ गया कॉम्स बैटरी, अभी दिखाए थे आपको 3 वोल्ट का एक कॉम्स बैटरी होता है। इसका क्या यूज है, अगर आपके सिस्टम में डेट एंड टाइम बार बार खराब हो जा रहा है, सेट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, फिर चालू कर रहे हैं, पता चल रहा है 12 बज जा रहा है बार बार, सैमसंग का एक छोटा सा मोबाइल होता है जिसमें बैटरी निकाल के चालू कीजिएगा तो 12 उसमें 12 बज जाता है, मतलब क्या भाई, सस्ता क्वालिटी है उसमें, वो क्या है, नहीं है, सीधी सी बात है, सस्ता में ले रहे हैं तो सस्ता ही जैसा होगा। सेम वही कंडीशन है कि अगर आपका बार बार डेट एंड टाइम क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो आप कुछ नहीं, मार्केट से खरीद के लाइए 50-60 रुपए में देगा और बस ला के उसको निकाल के इसको डाल दीजिए, सीधी सी बात है, सब सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सी बैटरी का ये काम होता है, ठीक है।
उसके बाद थोड़ा यहाँ व्हाइट और ये दोनों देखते हैं, इसको बोलते हैं पीसीआई स्लॉट। पीसीआई स्लॉट क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा। अभी मैंने बताया 2 मिनट पहले कि इधर बहुत सारे स्लॉट्स हैं, ठीक है। मान के चलते हैं मेरा आवाज देना पीसी बंद कर दिया, सपोज डैट ये खराब हो गया मेरा। हम जब इसको मिस्त्री के पास लेके गए तो मिस्त्री बोला कि कहीं से इंटरनल ऐसा फॉल्ट हो गया है जिसको बनाना पॉसिबल नहीं है, अब इससे हाथ धोना पड़ेगा आपको, अब कंप्यूटर आपका क्या हो गया, गुंगा हो गया, ठीक है। अब उस कंडीशन में देखिए पीसीआई स्लॉट कितना कमाल का चीज है, आप अलग से एकदम सेम ऐसा ही कार्ड के रूप में मिलता है, कार्ड के रूप में देखिए ये रैम है, ठीक है, रैम यहाँ पे ऐसे लगता है ना, तो ऐसा ही लगने वाला देखिए, तो इसमें भी दांत है ना ढेर सारा, तो रैमवा तनी बड़का गो है और इसका थोड़ा इतना छोटा गो आएगा, देखिए लगभग इतना के सेंस में आएगा, ठीक है। अब क्या रहेगा, ऐसे इसमें कार्ड रहेगा, आई पीछे से ध्यान से देखिएगा, देखिए तो लंबा वाला इसमें ब्लू दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा टर्न करते हैं, देखिए तो एकदम ब्लू वाला के सामने ऐसे यहाँ पे तोड़ने वाला कुछ दिया हुआ है, कंपनी बहुत सोच समझ के सब दिमाग लगाता है, ठीक है। अब हुआ का कि मेरा इसमें से कोई खराब हो गया, छोड़िए ना साउंड को हम गोली मारते हैं, हो सकता है यूएसबी खराब हो गया, प्रिंटर कुछ काम नहीं कर रहा है, वीजीए खराब हो गया, कुछ भी है वो खराब हो गया, तो ये सारा चीज आपको मार्केट में अलग से अवेलेबल है, जो चीज आपको लेना है। जैसे मान के चलते साउंड वाला खराब हो गया, तो हम मार्केट में जाके करें हमको पीसीआई साउंड स्लॉट दीजिए, RJ45 वाला खराब हो गया हमको पीसीआई RJ45 स्लॉट दीजिए, मतलब जो ये कार्ड होता है इसको कार्ड बोलते हैं, ठीक है। अब वो आपको दे दिया, आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली जिसके सामने लगाना है, अगर आपको नीचे वाले के सामने लगाना है ये तोड़ेंगे नीचे वाला, अगर आपको थोड़ा ऊपर वाले के सामने लगाना है ऊपर वाला तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद कुछ नहीं करना है, वो कड़वा इधर से ऐसे जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे वो टूटा हुआ है, ठीक है, वो कड़वा ऐसे अंदर जाएगा, अब मदरबोर्ड वहां पे ऐसे पटक प्लग इन हो जाएगा, कुछ समझ में आया। जैसे कार्ड यहाँ से अंदर गया तो देखिए तो ग्लू वाला जो है ऐसा में से डाबेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर चला जाएगा। अब जो आपका प्रॉब्लम मदरबोर्ड में था, ये प्रॉब्लम जो भी आपने कार्ड लगाया उसमें, अब वो बोर्ड क्या करता है, ऑटोमेटिक उसमें ड्राइवर डाला हुआ है कि इसके लाइन को ब्लॉक करके और वो अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर देगा, समझे। अब जो बोर्ड या तो नहीं बनने वाला था या तो खर्चा बहुत ज्यादा था उसमें, वही काम आपका 1000-1200 में हो गया, कुछ समझ में आया। ये चीज होता है, तो पीसीआई से पीसीआई के जरिए हम क्या कर सकते हैं, बाय द वे अगर इसमें से कोई भी मेरा वर्किंग कंडीशन में नहीं है, खराब हो गया, तो इसका सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको मार्केट में अवेलेबल है, खरीद के लाना है और इसमें लगाना है और फटाफट यूज करना है, कुछ समझ में आया पीसीआई का मतलब, ठीक है। याद रखिएगा, नहीं कि बता रहे हैं सब भुलाते जाइए, ठीक है। अब अगला चीज देखते हैं, हाँ ये वो कुछ ऐसे दिख रहा है एल्युमिनियम जैसा, ठीक है, कवरे का कवरे का नहीं तो फिर खराब हो जाएगा। देखिए इसको बोलते हैं हीट सिंक, 21 नंबर हीट सिंक, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, यहाँ पे वो गिर गया है, ठीक है, इसका ही बता। देखिए इसका काम क्या होता है हीट सिंक का, जैसे अभी हम क्या बताए आपको कि इस प्रोसेसर के लिए वो खाली प्रोसेसर फैन लगा हुआ है, उसी तरह अब एक चीज जान लीजिएगा, ये मदरबोर्ड जो है ना, अब एक के वो खाली इसी पे फैन लगा देंगे तो इसी के कूल रहने से सब काम हो जाएगा, इसको भी तो सबसे काम करवाना है ना जी। तो देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है उस पे भी ये हीट सिंक लगा दिया, अब देखिए बार बार फैन लगाएगा तो इसी वो जगह छेक लिया, अब उसको लगाने का जगह मिला, तो इसलिए कंपनी ने दिमाग क्या लगाया कि कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं जिसको थोड़ा हवा नहीं भी मिलेगा तो बाहरी कॉन्टेक्ट से हल्का फुल्का में रहेगा ना तो काम करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सर्किट लगा दिया क्या कि वो काम करो भाई, तुम इधर का डिपार्टमेंट संभाल लो कि कोई अगर गर्म होना थोड़ा चाहेगा तो तुम उसको कूल करना, समझिएगा। अब रोम का नाम सुने हैं आप लोग, रोम रोम का क्या यूज है कौन बताएगा, रीड ओनली मेमोरी काम का है, रोम वो चीज को अपना पढ़ता है और रोम में कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शंस डाल दिया जाता है जब वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था तो कभी नहीं भुलाएगा। आपका पीसी खुला कंप्यूटर का नाम दिखा रहा है, समझ में आ रहा है, रोम देखिए यही रोम देख लीजिए बनने से, ठीक है। अब इसके ऊपर ऐसे ही साटल था गिर गया है, ठीक है। अब देखिए रोम भी क्या कह रहा है भाई, कंपनियां अपन चीज होगा बहुत संभाल के देता है, ठीक है। अब देखिए अब इसको भी कह दिया कि देख भाई तुम गर्म मत होना, तुम गर्म होगा तो सब हमारे कंपनी के प्रचारे बंद कर देगा, मैंने स्क्रीन पे दिखावे नहीं करेगा कौन कंपनी का मदरबोर्ड है क्या मॉडल कुछ दिखावे नहीं करेगा, समझ रहे हैं इस चीज को, तो ये बुला जाएगा। तो कंपनी को या सर्किट को जहां जो लगा कि हाँ हमको यहाँ पे ये चीज डालना चाहिए, अभी क्या करेगा कि इतना दूर के एरिया को ठंडा रखेगा, ये क्या कर रहा है कि इतना दूर के एरिया को ठंडा रख रहा है, स्पेशली इसके लिए तो वो पंखे लगा लेंगे, क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका रैम स्लॉट जिसमें क्या लगता है, रैम लगता है, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा आते हैं, ये तो आपको पता चल गया 2480x वाला स्लॉट हो गया। अब ढेर सारा ऐसे निकल देख रहे हैं, ये क्या है, आईसी है,
कैपेसिटर कंडेंसर, कंडेंसर का क्या का काम होता है, वोल्टेज को बैलेंस करना, ऑब्जर्व करना, जितना महीन महीन उजला उजला दिख रहा है ढेर जगह पूरा एकदम छोटा 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 वो सब क्या है, रेसिस्टेंस है। पहले रेसिस्टेंस का इसको बोलते हैं डिजिटल रेसिस्टेंस, अगर ही खराब हुआ तो नहीं बनता है। पहले वाला टीवी में देखिएगा कि ऐसे आता था लंबा, ठीक है, दोनों तरफ उसका तार निकला रहता था और उसमें ढेर सारा कलर रहता था। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे रेसिस्टेंस के बारे में, तो इसमें डिजिटल रेसिस्टेंस है। अगर कहीं इसमें बीच में शॉर्ट सर्किट लग गया ऐसे छुइएगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ तो महीन महीन रेसिस्टेंस है, ऐसे लग रहा है कि कलर उलर है, लेकिन जहां जहां ये सब छुइएगा ना तो पता चलेगा कि पूरा रेसिस्टेंस भरा हुआ है। ठीक है, अभी समय अगर शॉर्ट सर्किट लगा तो मदरबोर्ड को क्या कीजिए, फेंक दीजिए। नया जितना भी टीवी आ रहा है सब में डिजिटल रेसिस्टेंस है। अगर नया वाला टीवी आपका खराब हुआ, ये सब शॉर्ट सर्किट लगा, अगर ये सब खराब है तो बदल देगा मिस्त्री, लेकिन इसमें शॉर्ट सर्किट लगा पूरा मदरबोर्ड चेंज कीजिए। नया वाला टीवी का, पुराना वाला टीवी का है 300 रुपया में जाकर बनवा लीजिए, नया वाला का है जाइए 3,000, 5,000, 7,000 जितना में टीवी लिए थे उससे आधा से ज्यादा पैसा उसको बनाने का दीजिए। तो आदमी बनवाता नहीं, उसको फेंकिए देता है, कहता है हम नए ले लेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? तो जितना डिजिटल हो रहा है उतना ही आपको हार्मफुल हो रहा है, लेकिन ये बात है कि थोड़ा सहूलियत भी मिलता है नया जनरेशन के अनुसार आप चल रहे हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ये हो गया क्या, जितना उठा हुआ है सब क्या है, कुछ रेसिस्टेंस इसको बंद कर ले, ये अल्मुनिया के ढक्कन से बंद कर लेता है सेफ्टी के लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा देखिए अभी सब का है नहीं बंद कर ले, इस सब पे कम प्रेशर है, समझिएगा, जिसको ढक्कन के अंदर बंद के लिए इस पे ज्यादा प्रेशर है, मेंटली इसका ज्यादा प्रेशर है, इसको फटने का भी डर रहता है, इसीलिए उसको ढक्कन पे नहा दिया कि भाई फटेगा भी तो इसी में रहना तुम। ठीक है, फिर तो मिस्त्री खोल के ढक्कन हटा के फिर वो कर देगा। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा और क्या बचा, एक चीज और, देखिए आईसी आप बोल रहे थे ना, ये सब आईसी है, देख रहे हैं, जिसका ढेर मानी गोर रहता है ना वो आईसी रहता है, दोनों तरफ जिसका गोर रहेगा, चारों तरफ जिसका गोर रहेगा वो सब आईसी रहता है। यूज होता है ट्रेन में सफर किए हैं कौन कौन, एटलीस्ट सबको किए होंगे, ट्रेन में सबको सफर किए हैं, कभी ऐसा देखे हैं ट्रैवलिंग के दौरान कि किसी पटरी के आगे लाल झंडा गाड़ा हुआ है उसके आगे जाना मना है या कुछ काम चल रहा है, ऐसा कुछ देखे हैं? सेम वही कंडीशन क्या कहता है, डायोड का भी वही कहना है। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे 24 तरह का करंट निकल के आपके मदरबोर्ड पे गया था, क्लियर है? ठीक है, अब एक बात बताइए, ये बस लाइन के थ्रू सारा करंट इधर उधर जा रहा है। ठीक है, सपोज दैट एग्जाम्पल ये रैम है, इस दो रैम के स्लॉट को चलने के लिए एक एक वोल्ट चाहिए, दो वोल्ट चाहिए। ठीक है, तो एक बात बताइएगा कि आखिरकार इस रूम में जो वायरिंग का तार आया हुआ है कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होके मेन सर्किट से आया होगा ना, मतलब बीच रास्ते से होके आ रहा है। ठीक है, अब हो सकता है ऐसा कि 2 वोल्ट के बाद कोई ऐसा पार्ट्स है, जैसे मान के चलते 2 वोल्ट जो चल रहा था, पीसीआई स्लॉट में चाहिए 3 वोल्ट। ठीक है, तो रास्ता कितना का था, 2 वोल्ट का था, आगे वाला पार्ट्स को कितना चाहिए, 3 वोल्ट चाहिए, तो वहां पे हम बीच में वो डायोड बैठा देंगे। डायोड क्या करता है ना, करेंट को ब्लॉक करने का काम करता है, मतलब जहां हम डायोड लगा दिए ना उसके उधर से कोई करंट इधर आएगा और ना कोई इधर से करंट उधर जाएगा, मतलब वो अपने अंदर दोनों करंट को ऑब्जर्व करके रख ले, कह रहा है कि आगे नहीं जाने देंगे। और इन केस शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब डायोड अपना संतुलन खो देगा या डायोड खराब हो जाएगा, तो वो मिनिमम लो वोल्टेज नहीं देखेगा, वो खराबे हो गया तो इधर वाला करंट हुआ उसमें जाके लड़ गया, उधर वाला जाके इसमें लड़ गया, थका हो गया शॉर्ट सर्किट। कुछ क्लियर हुआ, डायोड का क्या काम है, करंट को ब्लॉक करके रखना है। ठीक है, जितना भी वोल्ट के अकॉर्डिंग आप डायोड लगाते हैं तो वहां पे क्या करता है, करंट को ब्लॉक करके रखता है। क्लियर है? तो ये था आपका मदर बोर्ड और उसके पार्ट्स। आईसी का बहुत तरह काम होता है, पावर ऑन करने के लिए आईसी करता है, साउंड का आईसी अलग होता है, सिस्टम का आईसी अलग होता है। अब मान के चलते हैं, अभी हम क्या बताए ना आपको कि अगर ये खराब हो जाए, साउंड वाला स्लॉट खराब हो जाए, तो अगर आईसी चेंज करने से अगर आपका साउंड वापस आ जा रहा है तो सही है, नहीं तो समझिए कि इंटरनल अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कहानी खत्म। ठीक है, आईसी अगर खराब हुआ, जैसे पावर सप्लाई का भी आईसी होता है, जो नया वाला जितना टीवी सब में आईसी का यूज किया गया है, पहले क्या था ट्रांसफार्मर का यूज होता था जो बड़का टीवी था, अब उस सब में आईसी डेवलप करके डाल दिया गया है। अगर आईसी से रिलेटेड सब चल रहा है, पावर भी आईसी से चल रहा है, सब आईसी से चल रहा है, कि खराब होगा तो वहीं तक खराब होकर रह जाइए, आगे मत खराब होइए। ठीक है, अगर आईसी बदलने के बाद मेरा साउंड आ गया तो सही है, अन्यथा आपको बताया पीसीआई आपके पास क्या है, अवेलेबल है ऑप्शन। क्लियर है? थोड़ा देख लीजिए सब कोई, अगर